तो जैसे कि सेट की प्रॉब्लम थी जो हमने बताया था, ये इसका फ्रंट पैनल दिखा दूँ, ये रहा। ये मैंने पहले से ही खोल लिया था कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। अब जैसे कि जब हम इसको चला रहे थे, देखो ये LEDs की ग्लो नहीं हो रही, लेकिन ये जो हम रेजिस्टेंस को, ये देखो जब टच कर दे रहे हैं तो चल जा रही है, लेकिन अगर इसको बंद करके हम चलाएंगे तो LED अब चल गई। एक बार इसको शॉर्ट करने के बाद चल गई, लेकिन ये कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। लेकिन जो इसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि चलते चलते बंद हो जा रहा है। तो LED रेजिस्टेंस 10K की लग रही है मेरे को, तो मेरे पास 1K की अवेलेबल है। तो रेजिस्टेंस में दिखा दूँ, मेरे पास रेजिस्टेंस पड़ी है शायद, तो ये देख लो, बिल्कुल सेम LED है। तो ये वाली कैमरे पे ज़्यादा कर लेता हूँ मैं, तो ये वाली LED में इसके अंदर, ओ ये वाली रेजिस्टेंस में इसके अंदर लगा दूंगा जो कि सेम वैल्यू की है, क्योंकि इसको शॉर्ट करने पे ये चल रहा है। एक दिक्कत तो ये हो गई। अब इसकी दूसरी प्रॉब्लम, इसके अंदर से चेक करेंगे कि इसको खोल के, कि जो इसमें रेगुलेटर IC लगे हैं 7809 7805, कि उनके पास से वोल्टेज पूरी आ रही है या नहीं आ रही। तो फिलहाल मैं अकेला हूँ तो इसको चेंज कर लेता हूँ, और कैमरा पकड़ने के लिए कोई होना चाहिए, और काम कर रहूँगा मैं तो फिर कैमरा कौन पकड़ेगा। तो इतने बड़े सेट के साथ मैं प्रॉपर वो नहीं कर पाता, तो मैंने इसकी रेजिस्टेंस बदल दी। इसको निकाला नहीं, डायरेक्ट मैंने इधर से ब्लू वायर लेके इसके ऊपर लगा दी, तो ये कनेक्ट हो गई है, ठीक है। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बगैर निकाले भी आप लगा सकते हो। अगर निकाल के लगाना चाहते हो तो निकाल के लगा दो। अब देखो जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा तो दोनों LED हमारी चल गई, सेट चालू हो गया। अभी चलते चलते बंद हो रहा है, तो इसको कर लेंगे बंद। अब मैं इसको बैक साइड से घुमा लेता हूँ। अब यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ये जो मॉड्यूल लगा हुआ है ना, इसको चेक करना कि इसकी जो मेन आउट 5 वोल्ट की इनपुट है ना, कि वो वायर लूज तो नहीं है, क्योंकि हिलते टाइम ऐसा हो सकता है कि वो भी चलते टाइम वो हिल जाता है और मॉड्यूल हमारा बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसी को देखेंगे। तो अभी काम करने के लिए कोई है नहीं, कैमरा पकड़ना पड़ेगा, तो वीडियो रोक रोक के मैं देख रहा हूँ। जो सही तरीका है वो मैं बता देता हूँ कि इसका सही तरीका क्या है। और अब हम इसके बैक पैनल पे जब जाएंगे तो इसमें देखना है, 7805 चेक करना है, सेट चालू करके डिसकनेक्ट करके। और इसको सेट को मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ एक यहाँ 7805 लगी हुई है, एक यहाँ 7809 लगी हुई है, तो दोनों की आउटपुट चेक करनी है, और रेजिस्टेंस के बाद आउटपुट चेक करनी है कितनी कितनी आउटपुट आ रही है। तो कुछ इन आसान तरीकों से जो इसके अंदर फिलहाल की प्रॉब्लम है, चलते चलते बंद हो जाना, वो प्रॉब्लम 100% इन तरीकों से सही हो जाएगी। तो वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई और होता मेरे साथ कैमरा पकड़ने वाला, इतना बड़ा सेट है, अकेला ही सब काम करता हूँ, तो मैं वो भी करके दिखा देता, बट नहीं दिखा सकता। कैमरा सेट कहाँ करा जाए, कोई स्टैंड भी नहीं है मेरे पास। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में।